आपके 4 महीने लगभग आपको मिलते हैं तैयारी करने के लिए। आप लोग पहले से भी तैयारी कर रहे हैं, लगभग 1-1.5 साल से आप लोग सभी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो नोटिफिकेशन का ही वेट करते हैं। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा हमारा तो पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है। तो किस तरीके से हम पढ़ाई करेंगे, कौन सी बुक से करेंगे, कैसे हम नंबर जो है वो ला सकते हैं जिससे कि हमारी जॉब लग जाए, ठीक है। तो जॉब लगने के लिए जरूरी क्या होता है, बिल्कुल तरीके से पढ़ना। ऐसा नहीं होता है कि कोई भी बुक उठाई और एग्जाम देने चले गए, ऐसे एग्जाम क्रैक नहीं होता है। और एग्जाम में आपके 31,000 वैकेंसी जो है वो आपकी होंगी। 31,000 का मतलब है कि 3% बच्चे जो है वही सिलेक्टेड होंगे और वही उनकी जॉब लगेगी। तो उन 3% समथिंग में आपकी कैसे आप लोग आओगे, तो ये करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है, ठीक है। अगर हमें कुछ चीजें पता चल जाती हैं टाइम से पहले तो फिर हम उस दिशा में चले जाते हैं, नहीं तो यही हो जाता है। कौन सा YouTube चैनल से पढ़ना है, बुक से पढ़ना है, केवल हमारे नोट्स ही काफी होंगे। तो ये जो हॉचपॉच होता है इन सब से आपको बिल्कुल क्लियर कर ले टाइम से पहले, क्योंकि आपके पास टाइम है अभी। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, अपने तरीके से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये है कि वो लोग अपनी रिवीजन जो है वो लगातार करते रहे। लेकिन जिन्होंने बिल्कुल तैयारी नहीं की है और अब वो करना चाहते हैं और कैसे करें कम टाइम में, तो देखिए 120 दिन की तैयारी जो है उसके लिए मैंने कुछ सारणी बनाई है जिसमें आपको बताऊंगी कि कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है, ठीक है। उस यदि आप इस तरीके से फॉलो करेंगे तो 100% आपकी जॉब जो है वो लगेगी, ठीक है। चलिए देखिए लेवल 1 और लेवल 2, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की ही बात मैं बताऊंगी कि कैसे आप पेपर 1 की तैयारी करोगे, कैसे पेपर 2 की तैयारी करोगे। यहाँ पर जो टाइम है वो है सुबह 5 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक। अब आप ये मत समझिएगा कि आप लग सुबह 5 बजे से और रात के 10:30 बजे तक केवल पढ़ना ही पढ़ना है, नहीं, इसके बीच में आपका रेस्ट का टाइम भी होगा, इसमें आपका खाना पीना सब कुछ होगा, पढ़ाई भी इसी में इंक्लूड होगी। वो कैसे होगी, देखिए एक वीडियो मैंने बनाया था कि कैसे एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, ठीक है, रीट की तैयारी जो है वो किस तरीके से की जाए, तो वो बहुत टाइम पहले बनाया था। तो आज ये जो वीडियो है वो इसके लिए है कि 120 दिन जो आपके बचते हैं, कौन कौन से बचते हैं, आपके ये जो दिसंबर है ये आपका बिल्कुल गया दिसंबर, तो उसके बाद जनवरी, उसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, लास्ट अप्रैल में जाके 25 को आपका एग्जाम होगा। तो ये समझिए आपके पास टाइम जो है वो आपके थोड़ा टाइम आपके दिसंबर में मिलता है और आपका पूरा मंथ ही अप्रैल में मिलता है। तो यदि आप इन सबको मिलाएंगे तो 120 अप्रोक्स डेज जो है वो आपको मिलते हैं तैयारी को, ठीक है। 4 मंथ जो है वो लगाकर भी चलते हैं तो आपकी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। 5 बजे से 10:30 बजे तक आप क्या क्या करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, अभी हम बात करेंगे कितना पढ़ेंगे। सुबह 5 बजे से 7 बजे तक, 5 बजे से 7 बजे तक आप क्या करेंगे, 2 घंटे बाल विकास पढ़ेंगे। पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों के में ही बाल विकास आपको पढ़ना जरूरी है और किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करना है, 100% तैयारी करनी है जब एग्जाम देना है। बाल विकास जो आपका 30 मार्क्स का आएगा वो आप 5 बजे से 7 बजे तक पढ़ेंगे 2 घंटे, क्योंकि साइकोलॉजी के लिए माइंड जो है वो बिल्कुल फ्रेश यदि होता है तो बहुत अच्छे से हमें चीजें जो है वो समझ में आती है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिए, 5 से 7 बजे तक आपको बाल विकास पढ़ना है। फिर 10 बजे से 1 बजे तक दोपहर जो लेवल 2 जिनका SST है SST पढ़ेंगे, साइंस वाले साइंस पढ़ेंगे और लेवल 1 वाले EBS या मैथ पढ़ेंगे, ठीक है, EBS और मैथ पढ़ेंगे। नेक्स्ट 4 बजे से लेकर 6:30 बजे तक, शाम के 4 से 6:30 बजे तक क्या पढ़ेंगे, लैंग्वेज पढ़ेंगे, चाहे लैंग्वेज 1 पढ़ सकते हैं या लैंग्वेज 2, ठीक है। आप इस तरीके से बांट लीजिए डेज को कि भाई 3 दिन हमको लैंग्वेज 1 लेनी है और 3 दिन हमें लैंग्वेज 2 पढ़नी है, ठीक है। तो इस तरीके से हर चीज को आप बांट कर चलेंगे तो बहुत चीज आसान हो जाती है। रात को उसके बाद आपका टाइम जो होता है वो थोड़ा खाने पीने में इसमें टाइम जो है उसमें भी देना होता है आपको। रात को 9 से 10:30 बजे ये आपका रिवीजन का बहुत अच्छा टाइम है, सर्दियों के टाइम है
तो इस टाइम जो जो भी शोर शोर होता है वो इस टाइम बंद हो जाता है आपका 9 बजे से 10:30 बजे तक, तो बिल्कुल आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। देखिए ये टाइम वो है जिसके अकॉर्डिंग चल सकते हैं, लेकिन कई बच्चों की आदत होती है कि वो नाइट में ही पढ़ते हैं, रात को ही पढ़ते हैं, तो वो अपने तरीके से मैनेज कर ले, क्योंकि कईयों की आदत होती है कि केवल रात में ही उन्हें चीजें समझ में आती हैं, याद होती हैं, या उनकी जो हैबिट है वो रात में ही पढ़ने की है, तो वो अपनी उसी तरीके से अपने टाइम को बांट लें। ठीक है, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं 5 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक क्या शेड्यूल होगा। तो 9 बजे से 10:30 बजे तक हमें क्या करनी है, रिविजन करनी है। जो भी दिन में आपने बाल विकास पढ़ा, SST पढ़ी, ठीक है, आपने Language 1 ली या Language 2 पढ़ी, इन सब की क्या करनी है, आपको रिवीजन करनी है। रिवीजन बहुत जरूरी है। रिवीजन इसलिए जरूरी है क्योंकि दिन में हम कुछ भी चीज पढ़ते हैं, यदि हमें शांति में वो चीज जो है वो रिवाइज कर लेते हैं तो वो चीज जो है वो बिल्कुल स्थायी हो जाती है और हमारे माइंड में बैठ जाती है, तो जिससे कि हमें एग्जाम में भी आसानी होती है। इसीलिए जो पढ़ा है भाई, हम इतना पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है, अब कई बच्चे होते हैं कि हमें इतना पढ़ना है कि बहुत सारा सिलेबस है, हम कैसे करेंगे, तो ऐसे परेशान हो, इससे अच्छा है कि आप केवल इतना ही पढ़ें। मान लीजिए आप साइकोलॉजी में 2 थ्योरी पढ़ते हैं एक दिन में, 2 घंटे में 2 थ्योरी आप करते हैं, इसी को आप रिवाइज कर लेंगे तो वो आपके एक दिन में ही वो चीज कंप्लीट हो जाती है और आपको लर्न भी हो जाती है। और यदि आप उसी 2 घंटे में 4 थ्योरी पढ़ते हैं तो वो आपको अच्छे से समझ में भी नहीं आएगी, इतनी फटाफट आप 4 थ्योरी भी पढ़ गए, समझ में भी नहीं आएगी, जब रिवीजन करेंगे तो वहां भी आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि मटेरियल पूरे दिन आपने पढ़ाई की, मटेरियल इतना ज्यादा इकट्ठा हो जाता है कि रिवाइज के लिए भी थोड़ी थोड़ी चीजें होती है तो वो हमको समझ में आती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या पढ़ें, अब क्या पढ़ना है भाई, हमने ये तो देख लिया कि हमें कब कब पढ़ना है, टाइम के अकॉर्डिंग देखें तो आपको बहुत टाइम मिल रहा है। देखिए 5 से 7 बजे तक बाल विकास जो है, 2 घंटे आपने क्या किया, बाल विकास पढ़ा, ठीक है, 3 घंटे आपने SST साइंस या EVS को देखा, उसके बाद आपने 2.5 घंटे क्या देखा, 2.5 घंटे आपने लैंग्वेज को पढ़ा, उसके बाद रिविजन जो है वो आपकी 1.5 घंटे समथिंग, ठीक है, 1.5 घंटे है, तो ये सोचिए आप 3, 2, 5, 6, 7, 8 और ये 9 घंटे आपने पढ़े और ये काफी है, 9 घंटे आपने पढ़ाई किए ये काफी है। जरूरी नहीं है कि आप 12 घंटे पढ़ रहे हैं, 13 घंटे पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब जो तैयारी है वो आप 120 दिन की कर रहे हैं तो आप इतना ही करिए, 9 घंटे आप पढ़ाई को दे रहे हैं यहाँ, उसके बाद 7 घंटे आप किसको देंगे, नींद को देंगे, प्रॉपर नींद भी बहुत जरूरी है, 9 घंटे पढ़ रहे हैं तो 7 घंटे आपको सोना ही है, ठीक है, बिल्कुल नींद के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि नींद यदि कंप्लीट लेते हैं तो ये 9 घंटे हम रेगुलर अच्छे से पढ़ सकते हैं, 9 घंटे हम पढ़ सकते हैं यदि आप 7 घंटे अच्छे से नींद लेते हैं, ठीक है, तो ये सोचिए ये आपका है 9 और 7 कितना हुआ, 16 घंटे जो है ये आपके हैं, ये आपको किसी को नहीं देने हैं, किसी को भी नहीं देने हैं ये घंटे, यदि आप वाकई में तैयारी कर रहे हो और जॉब पानी है तो 16 घंटे किसी के नहीं है, ये सिर्फ आपके हैं, ये आपको ही लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अब क्या पढ़ना है, बाल विकास में यदि आपने नोट्स बनाए हैं अब तक तो नोट्स से आप क्या करें, उससे पढ़ाई स्टार्ट करें, डेली 2 या 3 जो थ्योरीज हैं वो आप पढ़ें, ठीक है। यदि आपने नोट्स नहीं बनाए हैं, तो चैनल पर लर्न विद रितिमन में साइकोलॉजी जो है वो बिल्कुल NCERT और RBSC इनको मिलाकर जो नोट्स जो है वो तैयार किए गए हैं और बिल्कुल मैंने ही पढ़ाई है साइकोलॉजी, तो वहां बिल्कुल स्टार्ट है, यदि आप वहां से पढ़ना चाहते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से इजी वे में वहां आपको समझाया गया है, तो उसके वहां पर आप नोट्स जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं बाल विकास को, ठीक है। नेक्स्ट है SST, SST कहां से पढ़नी है आपको, देखिए RBSC की बुक जो है वो मैं कहती हूँ 6 से 10 क्लास तक ही आपको कंप्लीट पढ़नी है, लेकिन अब इतना टाइम नहीं है कि आप RBSC की बुक जो है वो पढ़ने बैठ जाएं, न्यू NCERT की बुक से पढ़े या पुरानी NCERT बुक से पढ़े, आप इन चीजों को छोड़ दीजिए,
मेरा मानिए आप कि आरबीएसई की 6 से लेकर 10th क्लास की जो चैनल पर क्वेश्चन आंसर सीरीज जो है वो चलाई हुई है, बहुत ही मेहनत से मैंने एक एक चैप्टर जो है, यदि एक पैराग्राफ में जितने भी क्वेश्चन निकलते हैं, जितने मैक्सिमम निकल सकते हैं वो निकाले हैं और उस तरीके से मैंने करवाई है। बुक पढ़ने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, इस तरीके से मैंने वो क्वेश्चन सीरीज करवाई है। तो एक एक चैप्टर यदि आप देखना चाहें वहां वो देख सकते हैं। लर्न करना है आपको, वो देखना तो है ही, आपको बार बार लर्न करना है, ठीक है। और कंप्लीट 6th क्लास, कंप्लीट 7th क्लास, कंप्लीट 8th क्लास हिस्ट्री की और पॉलिटी की, ठीक है, दोनों की वहां पर डाली जा चुकी है। पॉलिटी लगभग बिल्कुल खत्म है, 10th क्लास के हम बिल्कुल लास्ट पर भी है। 10th क्लास का जो लास्ट चैप्टर है उसके हम लास्ट दो पार्ट ही बाकी हैं, बाकी वो भी कंप्लीट है। ज्योग्राफी आपको सर करा ही रहे हैं, तो ये सोचिए एसएसटी जो है वो आपको चैनल पर और साइकोलॉजी आपको चैनल पर इस तरीके की मिलेगी कि आपका एग्जाम जो है वहां का एक सिंगल क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, बिल्कुल आरबीएससी की बुक से ही बनाया गया है जहां आपका एग्जाम बनता है, ठीक है। उसके बाद है हिंदी। हिंदी के लिए 6 से 10th तक की बुक मैंने आपको बताई थी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, आप पढ़िए, आपका जो टाइम है इस अकॉर्डिंग कभी आप लेवल 1 को देखिए, कभी लेवल 2 को देखिए, ठीक है। नेक्स्ट इंग्लिश जो है वो भी 6 से 10th तक की बुक ही बताई है। ईवीएस और मैथ की बात करते हैं तो देखिए 3rd से लेकर 7th क्लास तक की आप आरबीएससी की बुक जो है वो उठाइए और आप वो पढ़ना स्टार्ट करिए, ठीक है। ज्यादा क्लासेस नहीं है, मात्र 4 क्लासेस जो है वो आपको ईवीएस और मैथ के लिए पढ़नी होगी। नेक्स्ट जब आपका ये कंप्लीट हो जाता है, जब आप ये कर लेते हैं 6 से लेकर 10th तक की कंप्लीट कर लेते हैं, एसएसटी की क्वेश्चन आंसर सीरीज जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आप एक गाइड जो है वो लेकर आना जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी, जिसमें आपका सिलेबस जो है वो पूरा दिया होगा, बाल विकास दिया होगा, एसएसटी, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज, ये सभी आपका दिया होगा। सिर्फ आपको एक नजर मारनी है कि हाँ एक बुक में हमने सारी चीज, क्योंकि आपको लगेगा ये सब कुछ मैंने पढ़ा हुआ है, लेकिन ऐसा मत करिएगा कि केवल गाइड उठा के ही आ गए और तैयारी करने लगे, करने लगेंगे बिल्कुल नहीं हो सकता क्लियर एग्जाम इससे, ठीक है। कैसे होगा, बिल्कुल उसी तरीके से होगा जिस तरीके से एग्जामिनर जो है वो एग्जाम बना रहे हैं, एक एक क्वेश्चन जो है वो पूरे चैप्टर में से किस तरीके से लिया जाता है तो वो उसको ध्यान में रखकर बनाते हैं, आपकी गाइड से काम नहीं चलता है, ठीक है। गाइड में हमारा बस ये होता है कि हमारा रिविजन जो है वो अच्छा सा हो जाता है, ठीक है। बाकी यदि जो बच्चे इन चीज को फॉलो कर रहे हैं तो उनको गाइड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ थोड़ा सा माइंड में होता है कि सारी चीजें हमें एक जगह मिल जाए तो आप आसानी के लिए आप ले सकते हो, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि बाल विकास और एसएसटी 60 मार्क्स का और बाल विकास 30 मार्क्स का, ठीक है, ये दोनों आप चैनल से करिए। 90 मार्क्स जो है वो आपको कहीं नहीं जाने वाले, यदि आप बिल्कुल दिल से पढ़ाई कर रहे हो, मन से पढ़ाई कर रहे हो, 90 मार्क्स जो है वो बहुत होते हैं। और उसके बाद आपका जो हिंदी और इंग्लिश, यदि टाइम मिला तो हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, इनको भी हम करेंगे, ठीक है। और सभी की शिक्षण विधियां, सामाजिक शिक्षण विधियां वो मैंने चैनल पर डाल रखी हैं, हिंदी और इंग्लिश की शिक्षण विधियां हैं वो भी आप तक पहुंचा दी जाएंगी। और सोचिए आप हिंदी, यदि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों की शिक्षण विधियां भी करते हैं तो ये सोचिए 20 मार्क्स आपके यहाँ और जुड़ जाते हैं। 100+ मार्क्स लाने के लिए ये आपकी तैयारी जो है वो इस तरीके से यदि आप करते हैं बहुत अच्छे तरीके से आपके नंबर आएंगे। बिल्कुल आप जहां रहते हो आपके घर के पास में ही आपको नौकरी करने का आपको अवसर मिलेगा, ठीक है, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वहीं पर आपकी जॉब मिलेगी। तो देखिए इस तरीके से आप पढ़िए, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया है, फर्स्ट तो आपका टाइम टेबल जो है, टाइम कि आपको 9 घंटे पढ़ाई को देने हैं, 7 घंटे आपको सोना है, ये तो आपको करना ही है हर हालत में, ठीक है। सेकंड आपकी आरबीएससी की बुक्स यदि आपने पढ़ी है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने पढ़ी है वो एक बार और रिवाइज कर लेना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि टाइम की शॉर्टेज होने से क्वेश्चन आंसर सीरीज जो है जो चैनल पर है उनको देखना ज्यादा बेटर होगा, ठीक है, क्योंकि बुक पढ़ने के बाद यदि क्वेश्चन आंसर मिल जाते हैं तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती है। बाकी इनकी टेस्ट जो है वो मैं ले ही रही हूँ, 3-4 टेस्ट ले चुकी हूँ, इसी तरीके से टेस्ट लेती रहूंगी कि आपकी रिवीजन और अच्छे तरीके से
हो जाए। तो इन सब चीजों को फॉलो करते हुए ही आप जॉब ले सकते हो। तो ये तो थी आपकी तैयारी के लिए कि 120 दिन में आप कैसे तैयारी करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।